अगर ऐसे माहौल में भी जब दिल्ली की कुर्सी पर हिंदू हृदय सम्राट विराजमान है और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर हिंदू हृदय सम्राट विराजमान है, फिर भी अगर हिंदुत्व खतरे में है तो साथियों आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत है। मुझको बताइए हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है क्या? हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में नहीं है बाबा, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, ये चीज याद रखो बाबा। ये बाबा नहीं बोलेंगे क्योंकि बाबा हिंदुत्व को बदनाम करने वालों के साथ हैं। कि इस मुल्क में जिसको आपके आबा अजदाद ने बसाया था, जिस मुल्क की बुनियाद आपके आबा अजदाद ने रखी थी, इस मुल्क में दिल्ली से हुकूमत का चलन पहले कभी नहीं था। आपके आबा अजदाद ने इस मुल्क की राजधानी दिल्ली मुकर्रर की थी। इस मुल्क की सरहदें इस तरह नहीं थी जिस तरह आज है। इस मुल्क की सरहदें आपके आबा अजदाद ने अपनी तलवारों की नोक से खींची थी, जो काबुल कंधार कजाकिस्तान से लेकर बर्मा तक फैली हुई थी। इतने बड़े मुल्क को आजाद करा के अंग्रेजों से आपके उलमाओं ने दिया है। और जब ये मुल्क आजाद हो गया तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग तुम्हारे साथ हक और इंसाफ का मामला करेंगे। हमने आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात को लब्बैक कहा और एक्टिव सियासत में सत्ता अपने हाथ में रखने की बात से तौबा कर लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? 50 साल के दौर इख्तदार में, कांग्रेस के दौर इख्तदार में मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मुरारत, मुरादाबाद, मेरठ, भिवंडी, तमाम दंगों के साथ बाबरी मस्जिद की शहादत पे मुसलमानों का सब्र जवाब दे गया, मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लेकिन उस दिन भी लोगों ने यह इरादा नहीं किया कि हुकूमत हमको भी करनी चाहिए, इरादा नहीं किया। बाबरी मस्जिद की खड़हर पर खड़ा होकर एक दूध बेचने वाला अपना डिब्बा फेंक कर आवाज देता है कि मुसलमानों मैं पहलवान हूं, मेरे साथ आओ, मैं मुझको ओढ़ दो, मुझको ताकत दो, हम आपके साथ इंसाफ का मामला करेंगे। चूंकि मुसलमानों के दिमाग में इस बात का कोई गहम गुमान भी नहीं था कि हमको भी हुकूमत करनी चाहिए, लिहाजा जो भी आ रहा उसको उन्होंने मौका दिया। समाजवादी पार्टी मुसलमानों के ओर से चार चार मरतबा सत्ता में रही, तीन मरतबा बाबर, एक मरतबा बेटा, शार आने की हिस्सेदारी वारा आने के मुसलमानों के उठ के साथ। लेकिन उस हुकूमत के बाद भी इंसाफ नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान यह समझता है कि गुजरात का कातिल नरेंद्र मोदी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो गुजरात में सिर्फ 2,500 मुसलमानों का कत्ल हुआ था और उत्तर प्रदेश में मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद अखिलेश यादव के, मुजफ्फरनगर में 3,000 मुसलमान कत्ल किया गया और 5,000 लोग आज भी बेघर टहल रहे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुसलमानों का सब जवाब देने लगा। आज जो लोग सत्ता में हैं, इनसे मुसलमानों को ही अकेले दिक्कत नहीं है, ये जो दलित लोग हैं ये भी पीड़ित है, बैकवर्ड लोग हैं ये भी पीड़ित है, सबको तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में बसने वाला आला तालीम याफ्ता कहा जाने वाला सबसे अगड़ी जात ब्राह्मण इस समय खतरे में है इस हुकूमत। इसलिए साथियों हमारी आपकी जिम्मेदारी है, बहसियत मुसलमान भी हमारी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मुसलमान जिस खित्ते में बसता है उसकी दीनी जिम्मेदारी है कि उस इलाके में इंसाफ कायम करें। आज हुकूमत में जो लोग बैठे हैं या आज के पहले जो लोग हुकूमत में थे, जुल्म के खिलाफ बोलने की हैसियत में नहीं है। क्यों? पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी, उत्तर प्रदेश में लगभग 350 यादवों का सियासी कत्ल हुआ और उसके उस मुद्दे पर बोलने की हैसियत में अखिलेश यादव और उनके वालिद साहब नहीं है। क्यों? अपने दौर इकदार में समाजवादी पार्टी के बाप बेटों ने इतना लूट घसोट किया है,
इतना बदनवानियां की है, सरकारी खजाने में इतनी डकैतियां की है कि इनको डर है कि अगर हम जुल्म के खिलाफ इस हुकूमत से लड़ने खड़े होंगे तो मेरा अंजाम लालू प्रसाद यादव जैसा होगा। अपने डर से यादव की हिफाजत में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे आपके बारे में क्या बोले। यही हालत दलित रहनुमा सुश्री मायावती जी का है। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ जुल्म हो रहा है और मायावती अपने एसी के कमरे से बाहर निकलने की तो बात छोड़िए, अपने मोबाइल पर ट्वीट तक नहीं करती। क्यों? को मालूम है कि हमने अपने दौरे इकदार में जो डकैतियां की हैं उसका हिसाब यह हुकूमत मांगेगी। आज जरूरत इस बात भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है कि समाज को हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया जाए। सपा बसपा के लोग चाहते हैं कि समाज को कास्ट में डिवाइड कर दिया जाए। एक वेलफेयर स्टेट के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है कि सब लोगों के साथ इंसाफ हो, उसकी बात न कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, न समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, न बसपा के लोग कर रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी करने की हैसियत में है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का आपने नाम सुना होगा, उर्फ वसीम रिजवी। आधार कार्ड में उनका बाप का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी है क्या? आडवाणी है क्या? नरेंद्र मोदी है क्या? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का नाम बदल दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया। मुझको बताइए, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, हमसे कहे पंडित जी आप अपना धर्म बदल लो तो धर्मांतरण के आरोप पे जेल भेज दिया जाएगा। का नाम स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती है, उसको किस सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन करा दो ब्राह्मण समाज में, उसको उस पवित्र धागे से जिसका नाम जले हुए वो पहना दो। अरे वो दलाल था, घोटाले के पैसे को पचाने के लिए बीजेपी में आया, बीजेपी को बाप बना लिया। अब नरेंद्र मोदी जो इस वक्त के फिरौन है वो नहीं बोलेंगे, बाबा नहीं बोलेंगे। मुझको बताइए, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है क्या? हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में नहीं है बाबा, हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है, ये चीज याद रखो बाबा। ये बाबा नहीं बोलेंगे क्योंकि बाबा हिंदुत्व को बदनाम करने वालों के साथ हैं।